आपके रंग में रंगना पड़ेगा, आपकी चाल में, आपकी चाल और चलन। अल्लाह अकबर, प्यारे आका ने जो माशरा दिया है उसकी बुनियाद पाकीज़गी पर है, उसकी बुनियाद हया पर है, उसकी बुनियाद सादगी पर है, और दुनिया ने इंसानों को जो माशरा दिया है उसकी बुनियाद बेहयाई पर है, फजूल खर्ची और इसराफ पर है, नंगे पन पर है, बेहयाई पर है। आज वो माशरा अच्छा लगता है जिन्होंने अपना खून इस उम्मत को बनाने के लिए दिया है, उनका माशरा आज नापसंदीदा। कब्र में जाते ही देखना पड़ेगा और सवाल होगा, पहचानते हो कि कौन है, कैसे पहचानेंगे? कल अगर हशर के मैदान में कोई शिफात करने वाले होंगे तो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपका तरीका ही नहीं तो शिफात कैसे मिलेगी? इसलिए ईमान सीखना पड़ेगा, तौहीद की रिसालत की आखिरत की दावत खूब देनी पड़ेगी, तब जाकर ईमान बनेगा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए। हजरत फरमाते थे अगर छोटा गांव भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरा वाला हो जाए तो अल्लाह उसकी ऐसी हिफाजत करेंगे, दुश्मन उन पर बड़े बड़े हथियार की बरसा देंगे, लेकिन अल्लाह ताला उन गांवों को उन बस्तियों को बचा लेंगे। मेरे दोस्तों अजीजों, पहली मेहनत है हमारी ईमान को सीखने, तो दावत देना पड़ेगा, उम्मत में चल फिर कर रोजाना दावत है, घर में इसके मुजाकिरे करना, शोहर बीवी के साथ मुजाकिरे करना, क्या होगा मरने के बाद, कभी कहना भाई अल्लाह ही से होगा, उनके अलावा किसी से कुछ नहीं होता। भाई कामयाबी और इज्जत के लिए एक ही रास्ता है, वाकई वतनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जिस माहौल में हम ताजिर हैं तो तिजारत में, मुलाजिम हैं तो मुलाजमत के माहौल में, हम जहां हैं वहां सुबह से शाम तक एक ही इंफिरादी दावत खूब दावत है। और एक एक मुसलमान को मस्जिद आकर मस्जिद में तौहीद के हलके ऐसे कायम करना जैसे सहाबे किराम मस्जिद नबी में ईमान के हलकों को कायम करते थे, अल्लाह के बातों को बोलते और सुनते थे, जन्नत और जहन्नम और आखिरत के तस्करे करते थे। करेंगे भाई इंशाल्लाह, ईमान बढ़ेगा, अल्लाह से ताल्लुक मिलेगा। भाई अल्लाह मुझे आपको नसीब करे, जैसे छोटा बच्चा अपनी हर जरूरत अपनी माँ से पूरा करवाता है, आंसू न बहे फिर भी रोता है, अल्लाह ताला ऐसी ही मोहब्बत हमारे दिल में उनकी डाल देंगे और हर हाल में हम उनकी तरफ रुजू हो जाएंगे, उनको मनाना, उनको बोलना, उनसे मांगना ये आ जाएगा, और हर सजदे में अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत की चाशनी और लज्जत डालते ईमानसी मान गए। सबर और शुक्र और तक्वा और जहद और किनाब ये सारे सिफात ईमान के बखदर अंदर में आएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। फजाइल की तालीम मस्जिद की घर की ये भी ईमान के सीखने का हल्का है, दावत ये मश्क है, रोजाना अल्लाह से मांगना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ईमान को मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका ईमानन मुबाशिरु कल्बी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिका। जो ईमान के पहाड़ हैं हमारी तबीयत के लिए सबक दे रहे हैं कि ईमान को मांगो। उम्मत की फिक्र लेके वो घर घर की मुलाकात करे जिसकी वो है रब का इलाज, उम्मत की फिक्र लेके वो घर घर की मुलाकात करे जिसकी वो है रब का इलाज, लेकिन का फरमान अल्लाह की बात लेके फिरे साहिब ईमान, शान तेरी सबसे आलीशान अल्लाह की।